महाकाल में गार्ड द्वारा पकड़े जाने पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस की भूमिका को बताया संदिग्ध। यूपी के कुख्यात बदमाश विकास दुबे के उज्जैन में महाकाल दर्शन के दौरान गार्ड के द्वारा पकड़े जाने के बाद पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और जीतू पटवारी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दो दिनों से यूपी का 5 लाख रुपए इनामी बदमाश मध्य प्रदेश में है तो प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। देखिए संदिग्ध तरीके से देखते हैं, देख लीजिए स्पष्ट है कि अभी भी शायद मैंने जिस तरह से जो उनके फोटोज जो देखे हैं कि पुलिस की उपस्थिति में उसको सोफे पे बिठाते हैं, आराम से बैठा है और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद भी शायद हथकड़ी भी नहीं डाल रहे हैं। तो जहाँ जिस तरीके से जो कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया था हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के प्रांगण में घुस जाता है और उसके बाद वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे के नाम से फर्जी आईडी बताता, विकास दुबे के नाम से वो रसीद कटवाता है। तो रसीद काटने वाले ने अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला कि इस पर ध्यान रखना, कहीं वो विकास दुबे तो नहीं है। तो उसकी हिम्मत देखी कि बोले हाँ मैं वही विकास दुबे हूँ। तो आज भी मतलब उसको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डर और खौफ पे, कितना बड़ा जो दुर्दांत अपराधी है, जो 60-60 अपराध किया हुआ उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की पुलिस के वो 7 से 8 मर्डर करके आया हुआ है, तो उसके बाद भी उस पर यहाँ मंदिर में घुस जाता है और उसके बाद भी उसको डर और खौफ नहीं, और किस तरीके से उसको पुलिस रख रही सोफे पे बिठा रहे और आराम से, उसको कोई डर और खौफ नहीं है। तो इससे ये जो लगता है कि पुलिस का को भी एक खौफ और एक डर और एक जो भूमिका जो होना चाहिए, उससे ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई में तो कोई दम है नहीं। वही मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि यह भी सहयोगी है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कानपुर के चुनावी प्रभारी रहे हैं और अपराधी भी कानपुर का ही निवासी है। यह संयोग का विषय है, इसमें पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान का फेलियर दिखाई दे रहा है और बीजेपी सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश को आपराधिक राजधानी बनाने का मन बना चुकी है। जिस तरह से विकास दुबे मध्य प्रदेश की बॉर्डर पार करके आया, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी नजर आ रही है, क्योंकि यह कुख्यात अपराधी रेड अलर्ट पर है और इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बदमाश अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कि बीजेपी की सरकार आई तब से किया सहयोग। देखो कि मध्य प्रदेश का उज्जैन में एक महाकाल का गार्ड पकड़ता है उस अपराधी को कुख्यात, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढती है, मध्य प्रदेश की सीमा में आ गया, 2 दिन से उज्जैन में है, पुलिस क्या कर रही थी। और मध्य प्रदेश सहयोग है, मध्य प्रदेश का हमारे गृह मंत्री वो कानपुर के प्रभारी थे, कुख्यात भी कानपुर का अपराधी निकला, ये सहयोग का विषय है भाई। ये सब बातें मध्य प्रदेश में आपराधिक राजधानी बनाने की ओर अग्रसर करते हैं, शिवराज सिंह का फेलिवर है और खुद पीठ थपथपा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सर दर्शन करने गए थे विकास दुबे, बोल रहे महाकाल मंदिर के।